feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं आज संडे का दिन है, कल दो तीन दिन से बारिश हुई थी। हम बारिश के कारण काफ़ी सब्जियां हमारी ख़राब भी होने जा रही। कारण ये था कि लगातार तीन दिन से बारिश होने के कारण जो हमारे ग्रो बैग हुए उसमें पानी कितनी तेज़ बारिश में पानी कई जगह रुक भी जाता है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक हफ्ते बाद मैं आया हूँ। एक हफ्ते का आपको रिज़ल्ट बता देता हूँ मैं आपको। एक हफ्ते में हमने हमारे जो हमने एक हफ्ते पहले आपको रिजल्ट वो दिया था, क्या कहते हैं उसका अपडेट दिया था, हमारी अपनी टेरेस गार्डन की जो ऑर्गेनिक सब्जी हमारे जो लगाई गई है उसका हमने आपको पूरा डिटेल दिया था। अब हल्का सा आज आपको इसके बारे में ब्रीफ करूँगा। ये हमारा टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग है और अपने छोटे से परिवार के लिए हमारे यहाँ से सब्जियाँ हो जाती है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पिछले हफ्ते मेरे द्वारा जो ये हमारे चार जो प्लांट हमारे ये है, तो चार प्लांट जो हमारे लौकी के लगाए थे हमने, चार नहीं आठ प्लांट है, टोटल आठ प्लांट लगाए थे हमने लौकी के इस पे टेरेस गार्डन में अपने 18x18 के ग्रो बैग में। तो उसको हमने क्या किया था, तो पिछले हफ्ते लगभग इसकी हाइट लगभग इतनी थी। एक हफ्ते पिछले संडे को मैंने आप बताया था इतनी इसकी हाइट थी। उस टाइम मैंने इसको थोड़े से, क्योंकि इसका 3G कटिंग का जो नियम होता है वो सिस्टम ये है 3G कटिंग का, कि जो फर्स्ट जनरेशन की हमारी जो बेल है, मैं इससे इस पर बेहतर बता सकता हूँ। फर्स्ट जनरेशन की हमारी बेल है, जैसे फर्स्ट जनरेशन हमारी ये जा रही है, ये फर्स्ट जनरेशन की है, तो इसमें 3G कटिंग होती है। फर्स्ट जनरेशन की कटिंग जो करते हैं हम लोग, उस पर क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन वाली जो हमारी बेल चलती है उस पर टोटली मेल फ्लावर आते हैं, चार पांच फ्लावर पर लंबर, एक आध फीमेल फ्लावर रहता है, लेकिन मैक्सिमम इस पर मेल फ्लावर आते हैं। उसको पैदावार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये इतना बड़ा खेत तो है नहीं कि आप उस पर बहुत ज़्यादा वो करो, इसको आपको 3G करना अनिवार्य है, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फ्रूटिंग हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो जैसे हमारा प्लांट का क्या होता है, इस नीचे की जो जब प्लांट ग्रो करता है जो पांच नीचे की पांच पत्ते होते हैं, ये पत्ते होते पांच पत्ते होते हैं, उनको हम हटा देते हैं। पांच पत्ते के बाद पांच पत्ते से नीचे, मतलब नीचे से लेकर पांच पत्ते तक कोई भी बडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम उसके जो 12 पत्ते आते हैं को टोटली हम काउंट करेंगे, 12 पत्ते के बाद उसको थ्री वो करते हैं, फर्स्ट जनरेशन ख़त्म करते हैं। फिर हमारी सेकंड जनरेशन ये आती है, इसके भी अब 12 पत्ते निकल जाएंगे, इसको भी हम 3G करेंगे। 3G का मतलब होता है ऊपर से हम कट कर देंगे। फिलहाल मैं इसलिए नहीं कर रहा, अभी पूरे 12 पत्ते नहीं आए हैं, तो जैसे 12 पत्ते इस पे भी आ जाएंगे, इस पे आएंगे, इसको भी हम कट कर देंगे। ये फर्स्ट जनरेशन की होती है, पहली जो मेन हो जाती है बेल जाती है। ये सेकंड जनरेशन की होती है, जो इससे निकलती है दूसरी वाली, जो सेकंड जनरेशन होती है। अब सेकंड में भी हमारे प्लांट में हमारी अच्छी फ्रूटिंग हो जाती है, लेकिन थर्ड जनरेशन की जो होती है, जो इस बर्ड से सेकंड से जो तीसरी जो निकलेगी उसको 12 के बाद हम उसको भी कट कर देंगे, लेकिन तीसरी वाली में मैक्सिमम हर बडिंग में आपको फीमेल प्लांट मिलेंगे, जिसमें कि आपकी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। मेरा पिछला एक्सपीरियंस बता रहा है, इस तरह से मैंने कह रहा है। लेकिन थोड़ा बारिश की वजह से, कल की बारिश हुई थी, कई प्लांटों में ये गलन की समस्या भी हो सकती है, लेकिन इसका मैं आज उपचार करूँगा, इसके भी देखूँगा मैं क्या कर सकते हैं, मैं आज देखूँगा इसको। क्योंकि बारिश की वजह से पिछले हफ्ते हमने इसकी कटिंग की थी, लेकिन इस गलन सी हो रही है। अगर धूप से सही हो जाएगा, सोते सही हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज मैं इसका फिर दूसरा कुछ उपचार देखूँगा इसमें, जिससे कि ये इसमें गलन की समस्या कम से कम हो जाए। वैसे धूप अच्छी आने के कारण ही सही हो जाएगा। इसी तरह से रिजल्ट आपको बता देता हूँ, मैंने पिछले हफ्ते मैंने इसमें
वो डाला था आपके सामने में, हमने वीडियो भी दिखाया था पिछले हफ्ते मेरे द्वारा, इस पर मस्टर्ड केक का जो सॉल्यूशन बनाया गया था उसको डाला था, उसका ही रिजल्ट मिला है पिछले हफ्ते ही, एक हफ्ते में, जो कि बारिश भी हुई थी, अच्छी धूप ही नहीं थी, तब भी इसका देखिए आप ऊपर तक पहुँच गई है, बड़ी कितना बढ़िया ऊपर पहुँच गई है। और ये अगले हफ्ते आप वीडियो दिखाऊंगा मैं, अगले हफ्ते पूरी नेट में काफ़ी आगे तक बढ़ जाएगी ये, और ये 25 से 30 दिन के अंदर ये फ्रूटिंग शुरू कर देगी, या आपको मैं अगली बार दिखाऊंगा, फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी अगर मौसम भी सही रहा, क्योंकि आजकल थोड़ा मौसम का भी वो चल रहा है। और उसका दूसरा रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जो हमारे जुकुनी के पौधे लगाए थे उसका मैंने वीडियो आपको अपडेट किया था, और उस पर मैंने मस्टर्ड केक भी डाला था, उसका बड़ी आप रिजल्ट देख सकते हैं पिछले हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये देखिए, एक हफ्ते पहले मैंने इस पर मस्टर्ड केक लगाया था, अब देखिए आप कितने बढ़िया फ्रूट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसी प्लांट में, दो इसमें लगा रहे, दो इसमें, चार प्लांट मैंने लगा रखे, चारों में देखिए आप, अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब मैं इसमें मस्टर्ड केक डालता था, सिर्फ सात दिन का अंतराल में, तो आप देखिए कितने बढ़िया फ्रूटिंग हो रही है, देखिए कितना, एक हफ्ते का रिजल्ट देखिए आप, इस पर कम से कम चार से पाँच फ्रूट लगे हुए हैं, ये जुकुनी के, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत बढ़िया सा प्लांटिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, ये देखिए आप, और ये तो काफ़ी बड़ा, देखिए आप यहाँ, ये देखिए, ये तो काफ़ी बड़ा फ्रूट देखिए आप, ये इसको मैं दो चार दिन के अंदर ये सब्जी के लिए तैयार हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, देखिए कितना बढ़िया हो गया, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इस ये हमारी इसकी बेल लेकर देते हैं, ये उस पिछले हफ्ते में दिखाया था, उस टाइम बहुत छोटी थी, ये भी इस हफ्ते में काफ़ी ग्रो कर रही है, ये देखिए आप, ये हमारा गार्डन का। थैंक यू, अब उसके बाद मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि क्या क्या केयर कर सकते हैं आप, ये गर्मियों में क्या केयर हो सकती है वो भी आपको बता दूँगा। संडे के दिन मैं आता हूँ, संडे के दिन का ये मैं अपना टिप करके अगले संडे को आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। थैंक यू।